brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर एक राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं। सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से। सर, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है जो कल हुआ, क्या कहेंगे? डरी हुई भाजपा, घबराई हुई भाजपा, झूठे केस के अंदर, उस केस के अंदर जिसमें 2 साल से सत्येंद्र जैन जी को बंद कर रखा है, 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जी को बंद कर रखा है, 1 साल से संजय सिंह जी को बंद कर रखा है, आज तक 54 भी इनको नहीं मिली। हजारों जगह इन्होंने रेड की, 1,500 से ज्यादा अफसर इंक्वायरी के अंदर लगा के रखे, 1 रुपया 25 पैसे भी इनको आज तक रिकवरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि 4 दिन ट्रायल कोर्ट के अंदर ये केस नहीं चलने वाला है। शासन कोर्ट के अंदर ईडी के सारे नोटिसों को स्टे कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई, परंतु भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बीजेपी का तूता ईडी ने एक नया नोटिस का निर्माण किया। उस नए नोटिस के तहत फिर अरविंद केजरीवाल जी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब सबमिट करने के लिए कहा, परंतु ईडी ने जवाब ना देके रातों रात अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि हाई कोर्ट भी इस नोटिस को स्टे करने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है, क्योंकि उनको मालूम है नरेंद्र मोदी का जवाब अरविंद केजरीवाल ही देगा। नरेंद्र मोदी जो घोटाले कर रहा है, जो डॉक्टर बोल पे चंदे ले रहा है, जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल उनको जवाब दे रहे हैं, सीधा सीधा उनका जवाब दे रहे हैं। पूरा देश इस बात को देख रहा है और घबराई बीजेपी जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, 2024 की वोट की चोट पे जनता इसका जवाब देगी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वहां से न्याय मिलेगा। प्रदर्शन सीमा उसका घेराव होगा कुरुक्षेत्र में। आज आम आदमी पार्टी हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेगी और जो बीजेपी ये कुकर्तव्य करा रही है, जो बीजेपी जो निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करा रही है, जो बीजेपी बिना किसी कसूर के अरविंद केजरीवाल को चुनाव में भाग लेने से रोकना चाहती है, जो बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार से घबराई हुई है, आज उसके जवाब के अंदर हम कुरुक्षेत्र के अंदर नायब सिंह जी का, जो हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, उनके घर का घेराव करें। इंडिया गठबंधन साथ है इस मुद्दे पर, सारा सारा देश साथ है। कल राहुल जी ने भी ट्वीट किया था, कल प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया था, कल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लवली जी भी अरविंद जी के घर पे पहुंचे थे, आज राहुल गांधी जी भी अरविंद जी के घर पे जा रहे थे। पूरा देश आज स्तब्ध है। आज एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी इंडिया टीम की तरफ से जाने वाला है। देखिए, सुशील गुप्ता का साफ कहना है कि जो किया गया है ईडी द्वारा भाजपा की सरकार के इशारे पर बिल्कुल गैर कानूनी है और उसके विरोध में लड़ाई जारी रहेगी और अब लड़ाई सड़कों तक आने वाली, कोई कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन होगा उसके बाद आगे भी ये लड़ाई चलती रहेगी। हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश।